program is sponsored by SSP Global Job. हम देख रहे हैं अहिरवाल की राजनीति का कड़वा सच। दोस्तों, कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद से इसकी राजनीतिक उथल पुथल को हमने अपने पिछले 3 एपिसोड में बड़ी बारीकी से दिखाया। हमने जहां रामपुरा हाउस के नजदीकी लोगों से मुलाकात की, वहीं हमने कनीना हाउस यानी कि कर्नल राम सिंह के नजदीक रहने वाले लोगों से भी आपकी बातचीत करवाई। दोस्तों, इस बार हम रेवाड़ी की राजनीति को देख रहे हैं एक पत्रकार की दृष्टि से। आज हम मिलेंगे रेवाड़ी के एक वरिष्ठ पत्रकार तरुण जैन जी से। तरुण जैन जी दैनिक ट्रिब्यून, नवभारत टाइम्स में काफी समय से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। तरुण जैन जी से बातचीत कर रहे हैं हमारे एडिटर पवन कुमार जी। 1996 में कर्नल राम सिंह ने राव वीरेंद्र को हराया और उसके बाद राव वीरेंद्र का राजनीतिक कैरियर वहाँ खत्म हो गया। इसके आगे की जो चर्चा है हम उसको जारी रखते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नल राम सिंह के राव वीरेंद्र के राजनीतिक कैरियर खत्म होने के बाद इंद्रजीत का जो उदय हुआ राजनीति में लोकसभा क्षेत्र में, उस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये अहिरवाल ज्यादातर अहिर प्रत्याशियों को चयन करता रहा है और हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद यहाँ पर 13 लोकसभा चुनाव हुए और उनमें से 8 बार राव परिवार का ही दबदबा रहा। 4 बार राव इंद्रजीत राव वीरेंद्र सिंह जीते और 4 बार राव इंद्रजीत सिंह जीते। 1 बार मनोहर लाल सैनी जीते और 1 बार डॉक्टर सुधा यादव जीती। और धरना बनने के बाद पहली बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने अब्दुल गनी डार वो गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1996 में कर्नल राम सिंह ने राव वीरेंद्र सिंह को शिकस्त देने के बाद अपनी अच्छी पहचान बनाई थी और उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत राव इंद्रजीत सिंह को सौंप दी और उसके बाद लगातार राव इंद्रजीत सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे। पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र होता था और उसके बाद फिर गुड़गावा 2009 में गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र विकसित हुआ और 2009 से 14 तक वो रहे। 1996 में कर्नल राम सिंह ने जब राव वीरेंद्र सिंह को हराया था तो उसके बाद 1998 में चुनाव हुए। 1998 में राव इंद्रजीत ने फिर कर्नल राम सिंह को पराजित किया, लेकिन उसके एक साल बाद ही फिर लोकसभा चुनाव आ गए 1999 में। उस समय शहीद की पत्नी डॉक्टर सुधा यादव को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा और उस 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सुधा यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को पराजित किया। उसके बाद 2004 में राव इंद्रजीत ने सुधा यादव को पराजित करके अपना हार का बदला लिया और उसके बाद 2009 में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को तोड़ करके फिर अलग से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। 2009 में कांग्रेस टिकट पर जीते और उसके बाद 2014 में भाजपा में शामिल होने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने फिर जीत दर्ज की। और इस अहिरवाल का, और या कहे कि भाई पहले एक जमाने में गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र ही होता था और उसके बाद 1977 में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र बना और उसके बाद फिर 2009 में फिर ये गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र बना। मतलब इसकी एक लंबी यात्रा है और इसमें अभी तक ज्यादातर दबदबा राव परिवार का ही रहा है। दोस्तों, समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
बाद फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे इस एपिसोड में क्या और देखना चाहते हैं, तो हम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि आप और क्या इस चैनल में ऐड करवाना चाहते हैं। तरुण जैन जी ने बताया कि 13 लोकसभा चुनावों में किस प्रकार रामपुरा हाउस 8 बार विजेता रहे। अब आगे तरुण जी से बातचीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हमारे एडिटर पवन कुमार जी। यहाँ से सांसद बनता रहा बड़ी सीट पे, लोकसभा सीट पे राव परिवार ही हमें रहा है, लेकिन जब राव परिवार से नाराज होते हैं, जब दूसरे व्यक्ति को वोट देने की बात कहते हैं कि भाई जो राव के खिलाफ बोल रहा है उसको जिताया जाए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, चुनाव में जातिवाद हमेशा हावी रहा है और यहाँ जो बहुल अहिर बहुल क्षेत्र कहा जाता है, तो अहिरों का जो ज्यादातर रुझान जो है या झुकाव है वो राव परिवार की तरफ ही रहा है और वही उस परिवार को अपना नेता मानता रहा है। लेकिन इस प्रभाव को खत्म करने में एक भूमिका कर्नल राम सिंह ने निभाई थी। जब वो पहली बार 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उन्होंने उस परिवार के मेंबर को हराया था, तब ये लगा था कि मैं इनको चुनौती देने वाला सामने आया है। लेकिन कर्नल राम सिंह की मृत्यु के बाद वो फिर वो चुनौतियां खत्म हो गई और वो चुनौती खत्म होने के कारण एक बार फिर इस सीट के ऊपर जो है राव परिवार का दबदबा चला रहा है। तो अब उसके कर्नल राम सिंह के बाद रघु यादव ने भी क्षेत्र लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके, लेकिन वो एक तरह से टक्कर नहीं दे पाए, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कर्नल राम सिंह एक राव वीरेंद्र सिंह को, क्योंकि वो भी उनके रिलेटिव ही थे, उनको चुनौती तो दी और उन्होंने अपने राजनीतिक विरासत जो है अपने पुत्र को देने की कोशिश की संजय को, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। संजय अभी मतलब जो अहिरवाल में जितना दबदबा राव परिवार का रहा है और जो उस दबदबे में अपना जो स्थान जो कर्नल राम सिंह ने बनाया था वो स्थान अभी तक जो है उनका पुत्र भी बढ़ा पाया, इसीलिए वो जगह खाली पड़ी है। आज भी इनकी चुनौती देने के लिए कोई सामने नहीं है। जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में बताया कि भाई नरेश चौहान जी ने बताया कि ऐसा है कि राव वीरेंद्र के खिलाफ कोई भी सॉलिड अहिर उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो देखो ऐसा है, वो भी एक कारण रहा होगा कि राव परिवार की स्थिति डे बाय डे मजबूत होती गई होगी। विधानसभा स्तर पर राव परिवार के सदस्यों को, राव परिवार को केवल राव अभय सिंह परिवार ने और उनके बेटे ने चुनौती दी और उस चुनौती को में हमेशा वो कामयाब रहे। और इस समय जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि जो 19 का लोकसभा चुनाव है उसमें राव इंद्रजीत की टिकट घोषित हो चुकी है भाजपा की ओर से और अभी कांग्रेस की टिकट घोषित होनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसा गठबंधन आप पार्टी से अगर नहीं होता है तो इस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट मिलना लगभग पक्का है, ऐसा माना जा रहा है। हमारे एक एपिसोड में बताया जो राव वीरेंद्र सिंह के काफ़ी नज़दीक रहे थे और डिप्टी डायरेक्टर पद से डाटा एनालिसिस डिपार्टमेंट में उनसे रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि अगर कोई ठोस उम्मीदवार राव इंद्रजीत के खिलाफ मैदान में उतरे तो राव इंद्रजीत सिंह जी हार सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मानता हूँ कि कैप्टन अजय सिंह यादव उनको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आज भी देश भर में, मैं अपना ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि आज भी देश में मोदी के नाम पर मतदाता अपना मत देता है और उसका असर हरियाणा में भी है और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भी है और कैप्टन अजय सिंह यादव 6 बार लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, उनका अपना असर है और वो पिछली 1 साल 1.5 साल से लगातार गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के दौरे करते रहे, गाँव में जाते रहे, रैलियां करते रहे, तो उन्होंने अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाई है और इसी के तहत बनाई है कि मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो कांग्रेस के पास इस समय राव इंद्रजीत को मुकाबला करने के लिए
कैप्टन अजय सिंह यादव से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। बात दोस्तों अब समय हो चला है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि तरुण जैन हमारे वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार राव इंद्रजीत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास कैप्टन अजय यादव के अलावा और कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं है। आइए वापस लिए चलते हैं अपनी चर्चा में, जहां हमारे एडिटर पवन कुमार जी बातचीत कर रहे हैं रेवाड़ी के वरिष्ठ पत्रकार तरुण जैन जी से। बात तो इसकी राव धान सिंह की भी उठ रही है कि जैसे कि वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल हैं और फिर एक धर्मवीर राठी जो पहले बसपा के उम्मीदवार रहे थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए तो नहीं, और हुड्डा का समर्थन कप्तान की बजाय राव धान सिंह के फेवर में ज्यादा देखा जा रहा है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है और मैं समझता हूँ कि धान सिंह वीरेंद्र अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंध रखते हैं और इनका जो है कैप्टन अजय सिंह का अशोक तंवर से संबंध गुट के कहते हैं, इस नाते से दान सिंह का नाम को चला रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी और हाई कमान जो है कैप्टन पर ही उन भरोसा करेगा और वो ही अकेले उनको टक्कर दे सकते हैं। जहाँ एक तरफ देश है जो वो मोदी के विचारों से सहमत है और चाहता है कि वे मोदी एक बार फिर सत्ता में आए और राव इंद्रजीत जी जो हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं तो मोदी को सत्ता में लाने के हिसाब से उनको जिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता है वो राव इंद्रजीत से इतना संतुष्ट नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसका कोई पैमाना नहीं है कि जनता कितना संतुष्ट है कितना संतुष्ट नहीं है। जब वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे तब भी ऐसा लग रहा था कि हालात क्या बनेंगे, उस समय मोदी लहर चल रही थी तो उसमें उनके नई अपार हो गई थी और वर्तमान में भी ऐसे हालात बने हुए हैं कि जो मतदाताओं का कहीं भी अगर असंतुष्ट है कहीं भी तो वो जो मोदी के नाम के आगे वो गुण हो जाएगा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरा अपना सोचना है। और इसका मोदी की लहर का फायदा राव इंद्रजीत सिंह को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस भी कहीं कमजोर नजर नहीं आती है, कांग्रेस भी फाइट में रहेगी। जो मुस्लिम वोट है मेवात का जो एरिया है तो उसमें आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि वो मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी या इंद्रजीत को जिताने में अहम भूमिका अदा करेंगे? मेवात का जो इलाका है मुस्लिम बाहुल है और वहाँ से अभी तक जो 2009 में बसपा की टिकट पर जाकिर हुसैन ने मुकाबला किया था और दो नंबर पर रहे थे, 2014 में भी जो है आई लल्ली में आ गए थे वो जाकिर हुसैन और उन्होंने आई लल्ली टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ज़्यादातर मुस्लिम मतदाताओं की वोट वो लेकर गए थे। और अभी जो है तस्वीर साफ नहीं है कि INLD की तरफ से, जसपा की तरफ से, बसपा की तरफ से, आपकी तरफ से कौन केंद्रीय चुनाव मैदान में आएगा। उनके चुनाव मैदान में आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि मुस्लिम मतदाता फिर किधर जाएगा।
तो अभी आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई एक तरफा जीत मानी जा रही है राव साहब की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफा जीत नहीं मानी जा सकती, मैं नहीं कह सकता ये बात तो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है और मोदी को अपने जो उसने जो काम किए है उसका बेनिफिट राव जीत को मिलेगा और मोदी के नाम पर ही उनको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी लोगों मतदाताओं तरफ से। धन्यवाद। तरुण जैन जी ने बताया कि जाकिर हुसैन दो बार राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दे चुके हैं, अब आगे क्या होता है इसका फैसला तो टिकट मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारा ये एपिसोड, ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपको मिल सके।